ए गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ का मेदू वड़ा बहुत अच्छा होता है, मुंबई में बहुत अच्छा मिलता है, वही खाने का बहुत दिनों से चल रहा था मेरा, तो सब लोग निकल रहे हैं। Keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, आंध्रा स्टाइल ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, मम्मी डिनर लंच बहुत किया, आज ब्रेकफास्ट कैसा लगा? मम्मी फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे बाहर आई स्पेशली। हाँ, मैं छान बन के ना फर्स्ट टाइम आई, मतलब घर को घर से निकलते टाइम अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह सुबह निकलना। हम लोग में से कोई भी नहाया नहीं है, बस उठे कपड़े पहने और आ गए। मम्मी का पचकाव हो गया, मैंने नहा ली, ये लोग नहीं नहाए। तो विशाल तो ऑफिस भी चला गया, पापा तो इससे पहले ऑफिस चले गए। विशाल, हाँ विशाल ना आया था। ये तीन 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 लड़कियाँ ना आलसी लड़कियाँ नहीं ना आए। एक बच्चा देखो हमें किस तरह से रेस्टोरेंट के बाहर से देख रहा है। आ जाओ, तुमको खाना खिलाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो नहीं भी भूल रहा है। सुबह सुबह तो आज एडवेंचर हो गया, एडवेंचर। हाँ मम्मी मजा चल रही। पर तो पापा नो थे, पापा थोड़ा जल्दी चले जाते हैं ना कॉलेज, इसलिए मिस हो गया। ये और ये भी कौन सा, 450 ये था अनिका का स्कूल। मैंने इसका नाम कभी नहीं बताया था, पर ये था इसका स्कूल, आज बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी स्कूल छोड़ दिया तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं आपको ये स्कूल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी स्कूल से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ, मतलब टीचर्स वगैरह अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही था, काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं था, और फीस भी बहुत ज़्यादा थी। पर तब मैं बोल नहीं पाई, अभी मैं स्कूल से बाहर हूँ तो बोल सकती हूँ। तो आप अगर इस स्कूल में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा इधर उधर रिव्यू ले लीजिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपीरियंस इस स्कूल के साथ अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। घर पर आते ही हमने फेस मास्क लगा लिया, क्योंकि हम लोग को लग रहा था टाइम हो गया, हम लोग मम्मी तो नहाने जाएगी, जो कि सुबह नहा चुकी थी, फिर से नहाने जाएगी, कैसे अब ये बताओ। कोई जवाब नहीं है, मैंने भी लगा लिया है, क्योंकि मैं भी बनाने जाऊंगी। ओके गाइस, तो आज ना मैंने ना मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा दही के साथ मिक्स करके लगाया है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, प्योर नेचुरल है, आप किसी के भी साथ मिक्स करके लगा सकते हो, अपना कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। जिस दिन मैं बालों में लगाऊंगी ना, उस दिन भी आपको दिखाऊंगी। एंड बेस्ट पार्ट ना, थोड़ा सा टैनिंग वगैरह हो जाती है ना, उसे इंस्टेंटली रिमूव करने के लिए बहुत हैंडी हो जाता है। ये मेरी मम्मी बात कर रही है पीछे, मेरी मम्मी शांति से नहीं रह सकती थोड़ा भी देर। सो इसकी परचेस लिंक मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाद में फिर बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, आपने लिंक नहीं दी, लिंक नहीं दी, लिंक नीचे रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कितना मतलब कितना बोल लेती यार। इसका फ़ोन आ रहा है, जैसे सेकेंड गाइस। मम्मी फ़ोन वास्ते, देखो मेरी मम्मी रंगोली काट ली, अगर फ़ोन वास्ते आनते। किधर है मेरे मम्मी का फ़ोन, किधर बज रहा है? देखो बैग से निकाला भी नहीं है लग रहा है, मम्मी ये बैग लेकर गई थी। और मेरी मम्मी की फ्रेंड का फ़ोन है। मास्क को रिमूव कर लिया है, जो भी ग्लो है आप क्लियरली देख सकते हो, कोई फिल्टर नहीं है, नथिंग। और अगर ये आपको ग्लो दिख रहा है, मैं आपको पोंछ कर दिखाती हूँ, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मैंने लगाया है, स्टिल ये दिख रहा है मेरे के नाक के ऊपर, एकदम इतना दबा कर पोंछ रही हूँ, फिर भी आप देख सकते हो। इस तरह से ये मुल्तानी मिट्टी काम करता है ना, तो बस लगाने का मज़ा आ जाता है। देखिए मेरा फोरहेड फुल शाइन कर रहा है, लाइक एकदम देखो बल्ब की तरह। एंड ये चिक्स भी देखो, परचेस लिंक मेंशन कर दी है मैंने, एंड इंस्टेंटली रिमूव कर देता है, जो भी सन टैन है रिमूव कर देता है।
है ना. ओके, गॉट रेडी फॉर लंच. ये अनप्लान्ड लंच था बिल्कुल, वो नहीं था कि हमें लंच के लिए बाहर जाना है, बट एकदम से प्लान हुआ कि लंच के लिए बाहर जाना है. रेडी हो गए. नोटिस भी करना था पीछे आगे में क्या कपड़ा. तो मैंने आते ही बोला ना चिकन ड्रेस पहनी हो. अरे उसका कपड़ा नोटिस कर रहा है भाई तू. हाँ ये तो दोनों जुड़वा है ना. भाई तू कहाँ आ गया. नीली है. तू कहाँ पर आ गया बता. इसलिए मैंने भी देखो लाल और नीला कॉम्बिनेशन पहना. तेरा फोटो देखा हम लोगों ने, क्या पोज मारा है तूने. खतरनाक सही है एकदम. इधर मम्मी भी आ गई है लॉक लगा कर घर को. फर्स्ट टाइम मैं केरला हाउस आई हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ है. मतलब ये सब लोग जो दिख रहे हैं ना आजू बाजू से वेट कर रहे हैं. हमारा 48 नंबर है और अभी 25-26 ऐसा कुछ नंबर चल रहा है. दोनों ने सेम पहना है, अच्छा लग रहा है. इन्होंने दोनों ने बहुत तारीफ की है केरला हाउस की. मैं इतने साल यहाँ पर थी पर आज तक केरला हाउस में खाना नहीं खाया, आज खाऊंगी. वेट करते करते हमारे कुछ लोग सो ही गए. और यहाँ पर पूरा स्नैपचैट का फिल्टर यूज हो रहा है. ये ओह माय गॉड, मुझे टकला बना दिया है. Remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa. यहाँ पर जो राइस मिलता है वो खुपड़ी का राइस मराठी में बोलते हैं. मम्मी हिंदी हिंदी क्या बोलते हैं. बॉइल राइस. सो मेरे साथ वाले यहाँ पे बहुत यूनिक खाना मिलता है. सांबर रसम मतलब केरला में जो चलता है वही मिलता है. और राइस तो एकदम अलग ही है. मैंने इतना मोटा नहीं खाया है ये वाला राइस, पर इतना मोटा वाला नहीं खाया. हम लोगों ने खाना तो खा लिया पर अब घर जाने की हिम्मत नहीं है. मेरी मम्मी का तो प्लान है कि यहीं पर सो जाती हूँ, शाम का खाना भी खाकर आ जाती हूँ. पर केरला भवन वाले रात को खाना नहीं खिलाते, सिर्फ दोपहर में खिलाते. अभी घर कैसे भी पहुंचने के लिए हिम्मत करनी है. हाँ मम्मी हिम्मत कर, हिम्मत करके घर चल कर सो जा. हिम्मत. भाई ने छोड़ दिया मुझे यहाँ पर. मैं आई हूँ रितु की मम्मी को मिलने. पहले तो रितु को मिलने आती थी, रितु की शादी हो गई है. अभी रितु की मम्मी को मिलने आई हूँ उनकी सोसाइटी में. यही है ना कि मैं गलत आ गई. मैं बोली मैं आ तो गई हूँ पर यही आपका पहली बार घर बंद था. ओके गाइस, एक घंटा से मैं आ तो गई हूँ यहाँ पर बातें जो है आंटी के साथ मेरे कभी ख़त्म नहीं हो सकती है. इतना तो मैं पूरी अच्छी तरह से जानती हूँ. और आंटी ने फाइनली अभी मतलब बातों बातों में रितु को फ़ोन लगाया है वीडियो कॉल. हाय करो. अब नहीं हो, ये पहली बार हुआ है. बट अभी तो वैलिड भी है ना भाई, मैडम की शादी हो गई है. अच्छा लग रहा है. इस दिन के लिए हम लोग पता है कब से इंतजार कर रहे थे आंटी. कि मैडम की शादी हो जाए फिर हम लोग बैठ कर गप्पे हाके. फाइनली वो मौका मिल गया हमको. अनिका भी आई थी, वो सो गई है. देखो हम लोग खाना खा के ही आए. हाँ वो देखो अनिका सो गई है. केरला भवन का खाना खा के आंटी ये सो गई है. आज बड़ा बड़ा चावल खा के बोलती है साबुदाना है क्या ये. हाँ इतना मोटा था वो. चलो उठो बेटा उठो. आंटी के घर से जाने का समय हो गया. मन नहीं कर रहा जाने का पर और भी जगह जाना ही है तो कम से कम समय में सबको. शॉर्ट टाइम है ना अभी तो. आंटी को मैंने बोला है लखनऊ आने के लिए. बिल्कुल आऊंगी. आइए चलो अच्छी बात है. रितु आपको इस समय मिसिंग लग रही होगी, क्यों लग रही है वो आप उसके चैनल पर जाकर देखिएगा. आंटी चैनल का नाम बताओ. हाँ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल. हाँ तो देखिएगा जरूर उसके चैनल पर, आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों मिसिंग है. एक हादसा हुआ है छोटा सा, देख लीजिएगा है ना. पर आपकी ब्लेसिंग्स उसको जरूर दीजिएगा, उसको जरूरत है.
किरण ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया है, आप भी सपोर्ट करो, ठीक है? जाओ, आपको अच्छा लगेगा, मतलब उसके चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलेगा, वेट लॉस के साथ साथ एक फैमिली, उसने नई की जो अभी शादी हुई है, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें उसके चैनल पर देखने को मिलेगी। yes. किरण आई मुझे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। घर पर आकर ना सिर्फ 2 मिनट्स हुआ है, आज हमारे पैर घर पर नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। ये ना नाम के लिए हमारे इधर आज ही रोज में जब यहीं पर पड़ी हुई थी तब किसी ने नोटिस नहीं किया, आज मेरी मम्मी नोटिस कर रही है कि ये लड़की आज घर पर टिकी नहीं रही है। देखिए नवी मुंबई को ना सिटी ऑफ फ्लैमिंगो थोड़े दिनों पहले ही घोषित किया गया है, तो वही फ्लैमिंगोज देखने जा रही हूँ। मेरे घर के थोड़े से ही दूरी पर है कि हज़ारों करोड़ों फ्लैमिंगोज वहाँ पर होते हैं, वो एक साथ उड़ते हैं, इन मैडम ने देख रखा है तो मेरे को भी चुल थी कि हाँ मैं भी जाऊँ देखने। मम्मी भी देख रखी है, हाँ मम्मी, और मम्मी ने बोला बेटा बहुत अच्छा लगता है, जब अब मैं जा रही हूँ तो मम्मी बोल रही है बेटा तुम्हारे पैर घर में नहीं टिकते। अच्छा तो लगता है था, लेकिन ऐसा हो गया कि सुबह से रात से उसका मतलब सुबह इधर जाना उधर जाना ऐसा करेंगे, और यहाँ से आने के बाद भी मुझे कहीं और जाना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलो ना बेटा फ्लैमिंगो देख कर आते हैं ना। क्यों अरे फ्लैमिंगो तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। किसी को अगर फ्लैमिंगो देखने आना है नवी मुंबई आओ। ये जो पाम बीच रोड है ये पीछे के साइड में है, और आपको NRI सोसाइटी मिलेगी, या सीवुड में NRI नाम की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है उसी के, हाँ DPS जो कि है अपना पाम बीच रोड पर, बस उसी के बाजू में यहाँ पर बहुत सारे फ्लैमिंगोज देखने को मिलेंगे, और शाम के समय पर ही, ठीक है? तो यहाँ पर ये पानी सूख गया है, जो भी यहाँ का जो पानी है ना वो सूख गया है, सो बस इसी के ऊपर से हम लोग चल चल कर जा रहे हैं। और नवी मुंबई में आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर फ्लैमिंगो सिटी लिख दिया, और हर जगह फ्लैमिंगो लगा दिया, और यहाँ पर मैं फ्लैमिंगो देख पा रही, छोटे छोटे से वाइट कलर के पास जा रही हूँ अभी। Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. Kya ko to aaj maine bahut sare flamingos dikhaye, बहुत बास आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये गटर का ही पानी होता है जो कि स्टोर होता है, उससे ये गंदी सी एक स्मेल आती है, पर फ्लैमिंगो देखने में ये सारी स्मेल से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नाक बची है कि चली गई? हाँ भाई, नाक बची है कि चली गई? हाँ इधर बहुत आ रहा है। फ्लैमिंगो देखना नहीं होता ना तो यहाँ पर 1 मिनट खड़ा कोई होता नहीं है, पता है? वो क्या कर क्या रहे, मुझे समझा ही नहीं वो, क्या वो कुछ खाते ना वो चीज देखते हैं, कंटीन्यूअस खाते पर इनका हैट्स ऑफ यार, ये कैसे ही लोग सरवाइव कर रहे हैं ऐसे में, क्या बर्ड है उनको, क्या है उनको, क्या है? फ्लैमिंगो कैसे छू सकते हैं हम लोग, नेचर में रहेंगे तो नेचर का लेना ही पड़ेगा ना। हां अब अनिका कहे कि मैं छू नहीं पाई, ऐसे खिला नहीं पाई, मेरे को खिलाना है, मेरे को क्या लाई हो तो बोलती है चॉकलेट। बेबी नहीं रही है, बड़ी हो गई है, बेबी बोलते हैं मतलब ऐसा नहीं कि तुम बेबी वाले हरकतें करो। अक्टूबर 2021 में गई, और जनवरी 21 और जनवरी 2022 में नवी मुंबई को फ्लैमिंगो सिटी बोल दिया। उससे पहले इतने फ्लैमिंगो नहीं थे, पर अभी इतने हो गए कि फ्लैमिंगो सिटी ही बना दिया। दीदी मैं बहुत परेशान हो गई तुम्हारी चीजों को खरीद के, ठीक है? और पापा ने मेरे को नहीं बोला, मैं बात कर लेती हूँ, मेरा सियाप्पा खत्म कर देती हूँ। एक हंसती हुई माँ और एक उदास लड़की।
इसके जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, दुखी हारी और दुख और बस। अरे सुनो ये ना, हम भी यहां पर जूस पीने के लिए आए, ठीक है। फुल रिफ्रेशमेंट हो गया है हमारा, सुबह से हम लोग सिर्फ खा रहे ठूस रहे यार। सुबह से हम लोग जितना भी खाना खाए ना, सिर्फ बाहर ही खाया, और अभी रात का भी मुझे बाहर ही खाना है। ड्रेस चाहिए तो गाइस क्या हम लोग जा रहे डिनर के लिए, एक आंटी के घर में डिनर के लिए बुलाया है, चिकन बन रहा है, उन्होंने स्पेशल बुलाया है। आपको नहीं लेकर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना किसी के घर में। देखो क्या खेल रही है, फुल बिजी है खेलने में। वो देखो यहाँ पर जब से आई है ना, पूरे टाइम खेलना कूदना बस।